हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये गुलाब में व्हाइट मिल्ड्यू यानी पाउडरी मिल्ड्यू लगने से हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए और क्यों वो आता है प्लांट्स में और कैसे उससे आप अपना प्लांट्स को बचा सकते हैं, तो उसके लिए मैं कंप्लीट क्या टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप इजीली कर पाएं, ऐसा टाइप का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे तो वो सारे प्लांट्स जो इंग्लिश रोज है वो सब बहुत ही हेल्दी है। ये सब मैं देखिए जो देसी वेराइटी का है तो उसी में ही लगा है। ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू। ऐसा देखिए नया नया जो शूट निकलते हैं, नया नया पत्तियाँ, वो सब में ज़्यादा वो पाउडरी मिल्ड्यू लग जाते हैं। वो पाउडर जैसा आपको दिखने को मिलेगा व्हाइट कलर में, तो वही होता है पाउडरी मिल्ड्यू। ये देखिए, ये सारे ब्रांचेस में लग गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर आपका प्लांट्स में हुआ है तो फिर वो प्लांट का जितना भी ऐसा देखिए टहनियाँ है, वो सारे पत्तियाँ है, वो सबको आपको प्लांट से काट के हटाना पड़ेगा। तो ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। अगर बहुत ही कम लग गया है तब आप वो प्लांट्स को बस कुछ में जो सोल्यूशन बताऊंगी उससे थोड़ने से ही हो जाएगा। ये देखिए, ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू और पत्ता देखिए कैसा हो जाता है। उस वजह से फूल खिलने से भी बहुत ही छोटा छोटा फूल खिलते हैं। तो ये देखिए, ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो मेरा ये प्लांट में और दो तीन प्लांट में भी लगा है। और फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है अगर ह्यूमिडिटी रात में ज़्यादा रहता है दिन के हिसाब से, और दिन में फिर बहुत ही उस हिसाब से ड्राई रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, रात में एकदम 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाते हैं और दिन में 25 से ऊपर भी कभी कभार जाते हैं। तो ऐसा यहाँ का टेम्परेचर रहता है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। और साथ में ये तो एक कारण था। और होता है अगर जहाँ पे हम प्लांट्स को रखते हैं वहाँ पे अच्छे से हवा आना जाना ना कर पाए तो फिर उस समय भी ऐसा व्हाइट मिल्ड्यू लग जाते हैं। अगर प्लांट्स को अच्छे से धूप नहीं मिल रहा है उस वजह से भी ऐसा व्हाइट मिल्ड्यू लग जाते हैं। मतलब प्लांट्स को थोड़ा सा दूरियां बना के रखना पड़ता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कम से कम आधा फीट के दूरी में रखने से ठीक है। और मैंने ग्रीन नेट यहाँ पे लगा रखा है तो इसलिए सबको एकदम नज़दीक में रख के रखा है। तो ये जो प्लांट है ये बड़े प्लांट के पीछे उस साइड में था, आप लोगों ने देखा है पीछे की साइड में, तो उस साइड में इसलिए धूप भी अच्छे से नहीं मिला होगा और साथ में एकदम प्लांट्स का सांस लेने में भी दिक्कत आते होंगे। तो इस वजह से हो जाते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ पे हवा ना चलने से भी होता है, धूप अच्छे से ना मिलने से भी होता है। तो ये सब कारण से होता है। और उसको होने से देखिए जितना भी ऐसा ब्रांचेस है, शूट है, वो सबको आपको काट दीजिएगा जहाँ से ऐसा बीमारी लग गया है। ये एक फंगल डिजीज है, मतलब इसको फंगस से बोलते हैं, एक टाइप का ये भी एक फंगस होता है। तो इसके लिए आपको अगर आपके पास ऐसा फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल है वो देखिए पहला दिन ही आपको ये एक चम्मच टीस्पून से एक चम्मच एक लीटर पानी में आपको घोल के प्लांट्स में अच्छे से स्प्रे करना है। आप लोग वीडियो में देख भी पाएंगे कैसे स्प्रे करना है। एकदम नीचे से पत्तियों के नीचे भी ये लग जाता है और ऊपर में भी लग जाता है, और नीचे से तो ज़्यादा ही लगता है। तो इसलिए आप नीचे से भी अच्छे से कीजिएगा और ऊपर से भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा करके आपको स्प्रे करना है हर तीन दिन के अंदर अंदर आपको करना, क्योंकि तब आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये प्लांट से वो बीमारी हट जाएगा। और ऐसा आपको तीन चार बार करना है हर तीन दिन के, तीन से पाँच दिन के अंदर अंदर करना ही करना है। और ये सोल्यूशन आप अलग तरीके से फिर मैं दूसरे दिन भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे फिर से बनाया है, तो वो भी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। और ये आपको तीन चार बार ऐसा करके नीचे से ऊपर तक अच्छे से स्प्रे करना है। और जब ये बीमारी प्लांट्स में लग जाए उस समय आपको ऐसे ही नॉर्मल पानी से बार बार पानी स्प्रे का शावरिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है। जब आप प्लांट्स को पानी दे बस मिट्टी में ही आराम से पानी दे दीजिएगा। पानी स्प्रे करने से क्या होगा, जो भी बीमारी आपका एक दो शूट में लगा है फिर वो सारे प्लांट में ही लग जाएगा, या ऐसा एक डिजीज है। और उस समय वो प्लांट को आपका दूसरा जो अच्छा हेल्दी प्लांट है वो सबसे दूरियाँ मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि नहीं तो वो प्लांट में भी ये बीमारी लग जाएगा। तो ऐसा करके रखिएगा।
और फ्रेंड्स ये बीमारी क्लाइमेट चेंज होने के वजह से भी आ जाते हैं, तो इसके लिए देखिए अभी मैं दूसरा दिन ये दिखा रही हूँ 3 दिन के बाद, उस समय देखिए आपको ये फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल होने से ये ज़रूर मिलाइएगा। और ये देखिए ये एक नीम ऑयल है, अगर आपके पास अवेलेबल होने से ये नीम ऑयल और ये लिक्विड सोप आपके पास जो भी अवेलेबल है, ये हैंड वॉश है, तो ये सबको आपको अच्छे से वही आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको फंगिसाइड पाउडर लेना है। ये सेकेंड डोज हम दे रहे हैं ये सोल्यूशन, तो ये फंगिसाइड पाउडर आपको आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो ऐसा ये देखिए तो ये लेना है, और जो सोप है यानी लिक्विड सोप जो भी है वो आपको एक चम्मच लेना है, और साथ में एक चम्मच से थोड़ा सा कम करके ही ले लीजिएगा, और साथ में एक चम्मच आपको ऑयल लेना है जो नीम ऑयल है ये। तो ये सबको अच्छे से मिला के आपको 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। ये आप फर्स्ट डे से भी कर सकते हैं, मैंने पहले दिन बस वो फंगिसाइड पाउडर ही डाला था और सेकेंड डोज में मैंने ऐसे करके बना के स्प्रे किया है। और फ्रेंड्स अगर ये सब आपका फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कुकिंग ऑयल है आपके पास वो आधा चम्मच ले लीजिएगा, और साथ में बेकिंग सोडा जो होता है वो भी आपको आधा चम्मच लेना है, और साथ में जो लिक्विड सोप है हैंड वॉश या फिर शैम्पू भी कोई माइल्ड शैम्पू आप ले सकते हैं, तो वो आपको एक चम्मच लेना है। तो ये तीनों को अच्छे से मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, तब भी ये व्हाइट मिल्ड्यू ठीक हो जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स देखिए मेरा ये वाला प्लांट्स में ये बहुत ही हेल्दी है, तो इसमें भी दो चार क्योंकि उसके पास ही था वो प्लांट के, ये देखिए एक दो पत्तियों में लग गया है, जो नया नया पत्तियाँ है वो सब में ही ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा कम होने से आप बस ऐसे करके वो सोल्यूशन स्प्रे कीजिएगा और अच्छे से हाथ से धुलाई कर दीजिएगा ऐसे करके, या फिर किसी कपड़े के सहारे से भी कर सकते हैं, बड़ा पत्ता होने से कोई भी बड़े पत्तेदार प्लांट्स होने से देखिए ऐसे करके आपको धो देना, और तब आपका जो प्लांट्स का पत्तियाँ या फिर जो टहनी है वो काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऐसे करके अच्छे से धुलाई करने से। तो ये हो गया दूसरा वाला सोल्यूशन जो मैंने बोला, और एक इजीली जो आपके घर में मिल जाएगा वो कोई भी ऑर्गेनिक मिल्क जो कि फ्रेश हो, वो आपको एक पार्ट लेना है और उसमें 9 से 10 पार्ट आपको पानी मिलाना है, तो वो दोनों को अच्छे से मिला के आपको प्लांट्स में स्प्रे करना है, वो भी हर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा, तो वो भी उससे भी ये प्लांट दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा वही प्लांट आज बस 9-10 दिन जैसा हो गया है, 3 बार मैंने वो सॉल्यूशन स्प्रे किया है और देखिए प्लांट्स दोबारा से हेल्दी बन गया है, और जो शूट हमने टेनिया काट दिया था जहाँ जहाँ वो बीमारी था, देखिए नया नया शूट भी वहाँ से निकल गया है। तो ऐसा करके आप ज़रूर केयर कीजिएगा, तो आपका प्लांट्स में अगर ये बीमारी आया है तो आपका प्लांट्स 100% दोबारा से हेल्दी बन जाएगा। और साथ में जो जो टिप्स मैंने फॉलो करने के लिए बोला है जिस जिस कारण से ये बीमारी आता है वो सब भी अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, तो ये बीमारी आएगा ही नहीं आपका प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।